Hey guys, welcome back to my channel Fashion and Lifestyle with Tanushi and yes, मैं हूँ तनुषी and I hope you all are doing well. And आज का वीडियो जो है, मैं बहुत दिन से इसकी मतलब इसको ट्राई कर रही थी कि मैं कब बना लूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था. एंड ये मेरे लिए बहुत खास वीडियो है. आई नो आई एम लिटिल बिट लेट, बट जो भी है, मैं बैठी हूँ आज करने के लिए. सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वट ऑल आई रिसीव ऑन माई बर्थडे. तो माई बर्थडे गिफ्ट के बारे में वीडियो होने वाला है. ये वाला वीडियो जो है ना, मेरे दिल के काफ़ी करीब रहते हैं, क्योंकि ये जब मैं बाद में खुद देखती हूँ ना, मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, तो इसीलिए मैं बनाती हूँ. सो चलिए मूव ऑन करते हैं वीडियो में. उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय क्लिकिंग द रेड बटन बिलो द वीडियो, और उसके पास जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको मज़ा आए, तो लाइक करना और शेयर भी कर दीजिएगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ऑल राइट गाइस, सबसे पहले तो मैं सबका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक विशेस मिली है, ब्लेसिंग्स मिली है. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है बर्थडे में, वो है बर्थडे केक्स. तो मुझे दो बर्थडे केक मिला था, एक मेरी मासी ने दिया था और एक मुझे मेरी चाची ने दिया था. वो हर साल अपने हाथों से केक बनाकर मुझे देती है. सो या दो केक का ही पिक्चर मैंने इंस्टाग्राम में डाले थे एंड या वगैरह स्टैटस वगैरह भी दिए थे. सो या तो उनका पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी इस वीडियो में, तो आप चेक कर लीजिएगा. बहुत प्यारा दो केक मुझे मिला था. और मुझे पर्सनली केक बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत पसंद आया था. सो या तो सबसे पहले वो एंड आप धीरे धीरे आते हैं गिफ्ट्स के बारे में. तो सबसे पहले जो मैंने ऑलरेडी पहन रखा है, तो दिस इज़ द स्मार्ट वॉच. ये बोट वेव कॉल है और ये मुझे मेरी मम्मा ने गिफ्ट किया है. सो या और बेल्स लाइक उस टाइम पे अमेजन से मैंने किया इसको परचेज़ किया था एंड उस टाइम पे बहुत अच्छा सेल चल रहा था, तो इस तरीके का मेरा बेल्ट है. बेल्ट के अकॉर्डिंग प्राइस होता है, तो मेरी बेल्ट की कलर की वजह से प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था. अगर आप ब्लैक और ब्लू कलर चूज़ करोगे ना, तो आपको फिर से होने वाला है सेल, तो काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा. तो काफ़ी अच्छा है, मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ. अभी ऑलमोस्ट 20 डेज आई थिंक हो गया, तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है. इनके साथ इसका चार्जर आया था. सो या ये मुझे मिला है एंड देन उसी के साथ मुझे मेरी मम्मा ने गिफ्ट किया था ये, जो कि है पावर बैंक. मेरा वाला ख़राब हो गया था, तो ये MI का है, काफ़ी अच्छा चल रहा है इसका काम. सो या ये मुझे दो मम्मा की तरफ से गिफ्ट मिला. एंड देन इसके बारे में बात करते हैं, देन मुझे मिला है एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस. ये बेसिकली एक सलवार सूट है और बहुत अच्छी बात ये है कि इस कलर का मेरे पास कुछ भी नहीं है. आपको ओपन करके दिखाती हूँ. सो या कुछ इस तरीके का है इसका ऊपर का, इस तरीके का डिज़ाइन है. एंड देन इसके साथ दुपट्टा वगैरह भी है और नीचे इस तरीके का थोड़ा सा पेंसिल टाइप के पैंट्स है नीचे. तो या ये एक कुर्ती नहीं, ये एक सलवार सूट है आप कह सकते हो. तो ये मुझे मेरी भैया भाभी ने गिफ्ट किया है, काफ़ी प्यारा है. मैंने अभी तक इसे वेयर नहीं किया, जब करूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी. देन एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा गिफ्ट मुझे ये पेन रिसीव हुआ था मेरी स्टूडेंट की तरफ से. तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही प्यारा सा पेन है. मैं बहुत खुश हूँ, जब भी स्टूडेंट्स कुछ देते तो काफ़ी अच्छे लगते हैं. तो ये वो गिफ्ट है, मुझे बहुत पसंद आया. सो या तो ये भी मेरा एक बर्थडे गिफ्ट है. उसके बाद अगेन एक क्लॉथिंग आइटम है जो कि ये है. ये बेसिकली एक टॉप है, कुछ इस तरीके का है. मैं आपको पिक्चर में दे दूँगी, आपको ऐसे समझ आएगा नहीं, मैं फिर भी ओपन करती हूँ उसे. तो कुछ इस तरीके का है, लाइक थोड़ा सा बोर्ड नेट टाइप का, ऐसे ब्रॉड टाइप का है. यहाँ पे कुछ बटन्स लगे हुए हैं एंड दिस टाइप ऑफ इसका स्लीव्स है. तो ये एक टॉप है, बटन ऑलिव ग्रीन कलर का. ये मुझे मेरी मासी ने गिफ्ट किया है. इसके साथ दो बटन भी उन्होंने गिफ्ट किए हैं, जो आपको मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा दूँगी. वो ऑलरेडी मैंने वेयर कर लिया. एक ब्लैक कलर का जींस उन्होंने दिया था और एक रेड कलर का ट्रैक सूट टाइप का पैंट है. काफ़ी कम्फर्टेबल और अच्छा है, मिंत्रा से है ये सब कुछ. सो या तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगी, लाइक वीडियो है उसका, मैं आपको दे दूँगी. अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने वेयर कर लिया. तो या ये दिया था और एक साड़ी भी उन्होंने गिफ्ट की थी.
पसंद आई तो वो साड़ी मुझे मिल गई है। तो दिस इज द साड़ी, ये हाफ हाफ साड़ी है। इसको जब मैं वेयर करूँगी तब आप अच्छे से समझ पाओगे। बट ये इस तरीके का ब्लू कलर का वेलवेट और हाफ इस तरीके का नेट का है, मैं आपको दिखा रही हूँ अगर आप देख पाओगे तो। तो इस तरीके का सेल्फ वर्क किया हुआ है नेट पे, तो हाफ हाफ साड़ी है ये नेट और वेलवेट का। तो या इसको मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैं इसको जब अच्छे से रेडी कर लूँगी उसके बाद मैं इसको वेयर करके इसका पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी। और राइट, उसके बाद ये वाला गिफ्ट मैं शेयर करती हूँ। ये मुझे मेरी चाची ने गिफ्ट किया था, जिन्होंने मुझे केक बनाकर दिया था, उन्होंने गिफ्ट किया था। तो उनका गिफ्ट मैं दिखा देती हूँ। सो ये उन्होंने मुझे एक फ्लास्क गिफ्ट किया है, काफ़ी यूजफुल थी है ये, इस तरीके का दिखता है। तो या ये मुझे उन्होंने मिल्टन का एक फ्लास्क गिफ्ट किया है, क्योंकि उन्हें पता है मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। सो या और मग्स के साथ साथ दो कॉफ़ी मग्स भी गिफ्ट किए थे। तो या कुछ इस तरीके का दिखने वाला, तो दो कॉफ़ी मग्स मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था, तो आई एब्सोल्युटली लव, क्योंकि ये काफ़ी मेरे लिए एसेंशियल चीज़ें हैं। मुझे बहुत पसंद है चाय पीना, चाय कॉफ़ी कुछ भी पी सकती हूँ मैं इसमें, बट और दो मैं टी लवर हूँ, मुझे टी पीना ज़्यादा पसंद है। सो या ये मेरा गिफ्ट है। नेक्स्ट, ओके, तो अब मैं कुछ स्किन केयर मेकअप रिलेटेड चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद परचेस किया है अपने लिए। सो देन सबसे पहले ये कॉम्बो मैंने परचेस किया था, ये ऑर्गेनिक हर्बल्स की है। ये एक फेस वॉश है, ब्राइटनिंग फेस वॉश और एक ब्राइटनिंग सीरम है। दोनों का ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने यूज़ किया है 1 to 2 times इसको। एंड एक्चुअली इसको लेने का मेरा पर्पस ये था कि मुझे ये काफ़ी ऑफ में मिल रहा था, लाइक एक ऑफर मिला था मुझे, जिसकी वजह से इसका कॉम्बो का प्राइस ऑलमोस्ट 849 rupees था, बट मुझे सिर्फ 199 rupees पे करने पड़े थे, सिर्फ शिपिंग चार्ज पे करने पड़े, तो मुझे ऑफ़र मिला था, तो इसलिए मैंने इसे ट्राई किया था और काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। सो या ये देन मैंने नेक्स्ट मैंने परचेस किया है। एंड देन कुछ चीज़ें मैंने नायका से परचेस किया था, जिसका रील शॉर्ट्स मैंने शेयर ऑलरेडी कर दिया है अपनी शॉर्ट वाली चैनल पे, तो उसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डिटेल्स से जाके चेक कर सकते हो। सो या तो नायका से मैंने बहुत नेसेसरी कुछ चीज़ें परचेस की थी, जो है इस ये जो है स्विस ब्यूटी का क्लीनिंग वाइप्स है बेसिकली, तो ऐसा मैंने दो परचेस किया था क्लीनिंग वाइप्स, ये काफ़ी एसेंशियल है। एंड देन मैंने परचेस किया हुआ है, ये तो मैंने बहुत बार यूज़ भी कर लिया कि मुझे बहुत पसंद आया, आप देखोगा इसका लुक वाइज कितना रिच लुक है, लग्जोरियस लुक है, बट प्राइस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मेरा शेड है 02 कलर चेंज जेल लिपस्टिक है ये। सो या मैं यूजुअली रेगुलर लाइफ में इसे यूज़ करती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा बहुत, आपको दिखेगा नहीं शायद वैसे तो, ये इस तरीके का, पहले जब आप अप्लाई करोगे ना हल्का सा एक होगा कलर, लेकिन धीरे धीरे पिंक हो जाएगा, लाइट पिंक हो जाएगा, इसलिए बोला जा रहा है कि कलर चेंजिंग लिपस्टिक है एंड जेल लिपस्टिक। और लुक एट द जेल गाइस, कितना सुंदर दिखता है ना, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आई। इसमें 3 shades आते हैं, तीनों का ऑलमोस्ट कलर चेंज होकर हल्का सा पिंक ही आएगा, बट लुक वाइज बहुत रिच लुक है, स्विस ब्यूटी का है ये एंड मुझे बहुत पसंद है। इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, लाइक 123 या ऐसा कुछ था, और उस टाइम पे सेल भी चल रहा था नायका पे। सो या तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़, रेगुलर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से आपकी लिप्स को मॉइस्चराइज करता है और हल्का सा पिंक टिंट दे देता है, स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए काफ़ी परफेक्ट है। सो या और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको बहुत डार्क लिपस्टिक्स हर रोज़ रेगुलर लाइफ में कैरी करना पसंद नहीं है, उनके लिए भी काफ़ी परफेक्ट है ये, बहुत अमेजिंग है। और ये जो पिंक कलर का स्टेन है ना, वो काफ़ी देर तक स्टे करता है, ऑलमोस्ट 5 to 6 hours स्टे करेगा, तो काफ़ी अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। देन मैंने लिया था ये वाला, ये है लिप लॉलीपॉप फ्रॉम मॉस, इसका भी रेटिंग बहुत हाई था, 4.4 ऑलमोस्ट था। तो ये बेसिकली एक देखने में लिपस्टिक जैसा है वाइट कलर का, बट ये बेसिकली एक लिप बाम है, इसमें कुछ ऐसा कलर नहीं है, बट बहुत मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेटिंग है, एज यू गाइस कैन सी बहुत हाइड्रेटिंग है, इसमें कोई कलर नहीं आता, इसका भी लुक बहुत क्यूट है। तो ये मैंने लिया था। एंड देन दो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है मेटालिक आई शेडो फ्रॉम स्विस ब्यूटी, आई थिंक
या तो स्विस ब्यूटी का मैंने लिया हुआ था। एक्चुअली एक मैंने लिया था सिल्वर कलर, मैंने पिक किया था और गोल्डन मुझे फ्री मिला था, सो ये दो मैंने लिया है। सो या दैट्स ऑल अबाउट माय नायका हॉल। ये सारी चीज़ें मैंने परचेस किए थे एंड देन कुछ चीज़ें मैंने परचेस किया हुआ है स्मीटेन से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि स्मीटेन से जब ऑफ़र चल रहा था तो मुझे ये जूट बैग रिसीव हुआ फ्री। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है, जूट है नीचे और ऊपर ऐसे ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी हार्डी है, बट द थिंग इज़ ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको उस हिसाब से चीज़ें लेके जाना पड़ेगा। सो या बट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। या फिर आप शॉपिंग करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको यूज़ भी कर लिया 2 times। तो ये मुझे फ्री में मिला था, उसके लिए मैंने लिया था लाइक 4 products 999 rupees में मिल रहा था। तो मैंने डॉट ऑन की के 2 products लिए थे। ये मैंने लिया हुआ है स्किन नरिशिंग फेस ऑयल, ये इस तरीके का, और ये मैंने लिया है पीएचए बैकुचियोल डेली पिल री सरफेसिंग मिल्क सीरम। तो ये भी कुछ पील ऑफ सीरम की तरह है। ऑनेस्टली मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया, इसे 1 time मैंने यूज़ कर लिया। ये थोड़ा सा ऑयली है, जब फर्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। ऑयली स्किन वाले भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप नाइट टाइम में इसको यूज़ करो तो अच्छा रहेगा। डे में थोड़ा सा लाइक सान होता है तो ज़्यादा ऑयली ऑयली लग सकता है। सो या ये दोनों प्रोडक्ट मैंने ट्राई किए थे डॉट एंड की का। और 2 चीज़ मैंने लिया था, वो एक्चुअली मम्मी के लिए लिया था, तो वो उनके पास ही है, मैं आपको उसका पिक्चर दे दूँगी। एक आमंड लिया था मैंने और एक केशू लिए थे रोस्टेड, आई थिंक मैं आपको दिखा दूँगी उसका पिक्चर। तो ये टोटल 4 products की वजह से मुझे वो जूट बैग फ्री में मिला था। सो ऑल राइट, तो ऑलमोस्ट हम लोग एंड की तरफ आ गए हैं। सो या एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी क्लॉथिंग आइटम्स भी परचेस किए थे, कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी वेयर कर लिए हैं, अभी मेरे पास नहीं है, मैं उनका पिक्चर आपको बीच बीच में दे दूँगी। सारे जो मैंने बर्थडे के दिन वेयर किया था वो भी मेरा एक गिफ्ट ही है, मम्मी ने दिया था मुझे, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, बहुत ही लाइक अफोर्डेबल प्राइस में है, तो उसका पिक्चर मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब मैंने मीशो से लिया था, तो या मीशो से मैंने और एक ग्राउन ऑर्डर किए थे, लाइक और एक ग्राउन मैंने लिया था ग्रीन कलर का, उसका भी पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी। सो या ये दोनों ग्राउंड्स भी हमने लिए थे। सो या देन उसके बाद कुछ बहुत ही मैंने एक्चुअली एक लाइक शॉर्ट बनाने के लिए कुछ बैग्स ट्राई किए थे मीशो से, वो शॉर्ट बन चुका है, आई थिंक इस वीडियो की पहले ही वो चला जाएगा, तो उसमें आप डिटेल्स में देख लेना। तो मैंने मीशो से कुछ बैग्स भी परचेस किया है, बहुत ही क्यूट क्यूट सी। तो सबसे पहला जो बैग है वो है दिस, ये देख के आपको लगेगा ये टेडी बियर है बट एक्चुअली ये स्लिंग बैग है। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो यहाँ पे चेन दे रखा है, काफ़ी स्पेशियस है, वैसे काफ़ी क्यूट है, बहुत प्यारा है, काफ़ी सॉफ्ट भी है, ये मुझे बहुत पसंद आया। सो या ये मैंने मीशो से लिया हुआ है, मीशो से सबसे जो पसंद आया मुझे वो है दिस वन, ये मैक्रम बैग मुझे बहुत पसंद आया, ये भी मैंने मीशो से लिया हुआ है, बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ ये मुझे रिसीव हुआ था। सो या ये नेक्स्ट मैंने लिया था, और एक है वो भी बहुत ही क्यूट है बट ये काफ़ी कमन है, आपने देखा होगा, तो इस तरीके का, ये भी कुछ हद तक आप खोल सकते हो, टेडी ही है, टेडी का बस चेहरा है, ये पूरा टेडी था, तो इस तरीके का है, ये भी स्लिंग बैग है। तो ये कुछ बैग भी मैंने लिया था मीशो से, इसका हॉल आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट्स। ओके, सो मीशो से मैंने ड्रेस के साथ साथ 2 bales भी परचेस किए थे, एक है 2 bales का कॉम्बो एक्चुअली मैंने लिया था, एक इस तरीके का है, स्ट्रेचेबल है, पीछे इस तरीके का बटन दे रखा है, काफ़ी कम प्राइस में मिला था, आई थिंक 150 में 2 belt मिला था मुझे। तो ये ब्लैक है, किसी के साथ भी चला जाता है और ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। एंड देन मैंने ये वाला लिया हुआ है, ये कुछ ऐसे गोल्डन कलर में है और पीछे इस तरीके का चेन दे रखा है एडजस्ट करने के लिए, तो ये भी अगेन कोई भी पहन सकता है, लाइक काफ़ी बड़ा इसका चेन दे रखा है, तो ये भी लाइक साड़ी वगैरह के साथ ये वाला काफ़ी अच्छा जाएगा और ये वाला तो किसी के साथ भी चला जाएगा। तो ये दोनों मैंने लिया था, लाइक दोनों का कॉम्बो मैंने लिया था मीशो से। सो या मैंने अपनी ड्रेसेस के साथ साथ ये दोनों बेल भी परचेज किया हुआ था। ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो भी एक बैग है,
बहुत ही क्यूट सा ये बैग है, बहुत पसंद आया मुझे इस तरीके का। इसके साथ स्लिंग्स भी है, तो ये मैंने ऑफलाइन परचेस किया था और मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैंने बर्थडे के बहुत दिन पहले ही से परचेस किया था, बट आप बोल सकते हो कि बर्थडे हॉल में भी ये आ सकता है। तो इसके साथ इस तरीके का स्लिंग है। सो या बहुत ही क्यूट है ये। जब भी मैंने इसे देखा था ना, आई जस्ट थॉट कि नहीं इसे तो ले लेते हैं। एक्चुअली मैं पहली बार इसे देख के छोड़ के आ गई थी, एंड देन मैंने सोचा कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो देन मैं नेक्स्ट डे जाके इसे परचेस की थी। तो या मुझे यहाँ पे सेल चल रहा था एक्चुअली, जो बंगाली न्यू ईयर है उस टाइम पर मैंने लिया था, उस टाइम पर सेल चलता है, तो उस टाइम पर मैंने लिया था। एंड बहुत ही क्यूट और अडोरेबल बैग है, एकदम टैन कलर में है, तो किसी भी चीज़ के साथ चला जाएगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मेरी वार्डरोब पे शायद सबसे छोटा ये बैग है मेरा। सो या बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। तो ये है मेरा लास्ट बर्थडे गिफ्ट आप कह सकते हो, जो मैंने ही किया दिया है खुद को। सो यस गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट माय बर्थडे गिफ्ट। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन सा गिफ्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।